घर में इस चीज़ पर धूल मिट्टी होने से आप भी करोड़पति बन जाएंगे, चौंकिए मत। घर में साफ सफाई का वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत महत्व है, हम मानते हैं। माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में सफाई होती है। लेकिन एक कोना ऐसा है जगह, अगर उसको आपने गंदा किया, वहाँ धूल मिट्टी जम गई, तो यकीनन आप करोड़ों में खेलोगे। कौन सी है वो जगह जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से गंदी होनी चाहिए, धूल मिट्टी भरी हुई होनी चाहिए? आज के वीडियो में हम यही बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं। सारे घर को चमकाइए, लेकिन इस कोने पे अगर डस्ट जम गई है तो आपको भाग्य वृद्धि मिलेगी, आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपको खुशियाँ मिलने वाली है, पैसा ही पैसा आपके जीवन में आने वाला है, ये संकेत मिलते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। हमारे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है व्यूवर्स। आज भी बहुत अच्छे मन से आपका स्वागत करती हूँ। आप यूँ ही तरक्की करते रहें, ताउम्र ये ब्लेसिंग्स आपको देती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। जैसा कि आप जानते ही होंगे, कई बार रिपीट कर चुके हैं अपने वीडियो में, ये वर्ष राहु केतु की कृपा पाने का है। राहु केतु की कृपा पाने के लिए आपको ऐसी जगह पर धूल मिट्टी रखनी चाहिए, क्योंकि राहु केतु को कुछ विशेष स्थान प्रिय होते हैं। वहाँ आप गंदगी रखते हैं, दूषित रखते हैं उस कोने को, या उस चीज़ पर धूल मिट्टी जमती है तो आप पर राहु की कृपा बरसती है और आपको करोड़ों गुना रुपया आने लगता है। तो वो स्थान कौन से हैं आज के वीडियो में हम जानेंगे। पहला स्थान है आपकी छत का साउथ वेस्ट कोना। छत का साउथ वेस्ट कोना, वैसे तो संपूर्ण छत ही राहु के अंडर आती है, लेकिन छत की सफाई टाइम टू टाइम आप लोग करते ही होंगे, तो आपको ये ज्ञान देना उचित नहीं है। आपको ऐसा कोना जो आपके घर की छत के साउथ वेस्ट दिशा में है, उसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी जमी रहने दें, उसको साफ ना करें, और वहाँ बैठकर आप राहु मंत्र का जाप करें। ओम राम राहुवे नमे, ओम राम राहुवे नमे का जाप करिए। इससे आपको फ़ायदा होगा और आपकी किस्मत तुरंत खुल जाएगी। दूसरा स्थान है अपने घर के कोने। आपके घर का जो कोना होता है वह केतु को दृष्टिगोचर होता है, केतु वहाँ विद्यमान होता है। तो अपने घर के कोनों की तो सफाई करें, लेकिन एक एक कोना ऐसे छोड़ें जो साउथ वेस्ट दिशा में हो। साउथ वेस्ट दिशा राहु केतु की होती है, तो राहु केतु की दिशा में जहाँ आपका कमरा बना हुआ है, मास्टर्स बेडरूम वास्तु के हिसाब से वहाँ होना चाहिए, तो उस कोने में अगर आप थोड़ी सी धूल मिट्टी छोड़ देते हैं तो आप पर राहु केतु की कृपा बनने लगती है। और राहु केतु की कृपा मतलब जोड़ तोड़ में आप माहिर होने लगते हैं। आपको कैसे ट्रिक लगा के पैसा किससे प्राप्त करना है, ये स्किल आपके अंदर आ जाती है, जो कलयुग में बहुत सार्थक स्किल है। हर एक के पास ये स्किल हो तो किसी के पास गरीबी ना रहे। ऐसे ही घर में मुंह देखने का शीशा, जो मुंह देखने का शीशा होता है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। हम ये नहीं कहते कि मिरर को गंदा रखो, मिरर को तो साफ रखना ही चाहिए, लेकिन अगर आप मुंह देखने के शीशे छोटा ही है सही, अगर आप उस पर धूल मिट्टी जमा के रखते हैं तो आपको केतु की कृपा मिलने लगती है और आपको धन लाभ होने लगता है, क्योंकि केतु अचानक धन लाभ देता है, अचानक करोड़पति बनाता है, आपको पता ही नहीं चलता कब आप करोड़पति बन गए। ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ जाती है। तो अपने इन कोनों को हमेशा धूल मिट्टी से सना रखिए, इससे राहु केतु की कृपा आपको मिलेगी और अथाह मात्रा में आपको धन लाभ होने लगेगा। थैंक यू सो मच।